नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। घरेलू मैदान पर लगातार 7 जीत के बाद हारी चेन्नई की टीम। मुंबई ने दर्ज की सीजन की 7वीं जीत। रोहित शर्मा की कप्तानी पारी और लसित मलिंगा की अगुवाई में गेंदबाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को चेन्नई के चेपक स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग्स के विजय अभियान पर रोक लगाकर 46 रन की जीत दर्ज की है। इसी के साथ ही मुंबई ने IPL 2019 के प्लेऑफ में पहुंचने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। रोहित ने 48 गेंद पर 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए, जो उनका IPL 2019 में पहला अर्धशतक है। उन्होंने इस बीच इविन लुइस के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़े, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों विशेषकर स्पिनरों ने बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया और मुंबई 4 विकेट पर 155 रन ही बना पाया। चेन्नई के लिए यह स्कोर भी पहाड़ जैसा बन गया। उसे MS धोनी की कमी खली, जो अस्वस्थ होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पाए। मुरली विजय ने दूसरे छोर से विकेट गिरने के कारण धीमी बल्लेबाजी की। उनके अलावा भारत पाकिस्तान की भिड़ंत से पहले पाकिस्तान कप्तान सरफराज अहमद ने दिया ये बयान। पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि उनकी टीम आगामी विश्व कप में हर मैच ऐसे खेलेगी जैसे चीर प्रतिबंधित भारत के खिलाफ खेलते हैं। एक जानकारी के अनुसार विकेट कीपर बल्लेबाज ने भारत के खिलाफ 16 जून को होने वाले मुकाबले के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ मैच काफी अहम है, लेकिन वह एक ही मैच है। हमें पूरा टूर्नामेंट ऐसे खेलना है जैसे भारत के खिलाफ खेल रहे हों। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।